को मैंने डाल ली। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। सर ये कहना चाहूंगा कि विलन का रोल प्ले करते हैं भोजपुरी फिल्मों, या विलन का जो अब इंपॉर्टेंस है फिल्मों के हिसाब से, खासकर हिंदी फिल्मों की बात करें, कितना आपको लगता है कि संतोष का इलाके, क्योंकि एक्टर ही सब कुछ करता है, विलन भी एक्टर बन जाता है, कॉमेडियन भी एक्टर बन जाता है, उसके बारे में बताइए। देखिए विलन की अपनी एक अहमियत है। एक्चुअली क्या है, भोजपुरी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा हो, विलन फिल्म की रीढ़ की हड्डी होता है। मुझे लगता है कि जितने वेरिएशन विलन दे सकता है, शायद हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर में भी उतने शेड्स नहीं होते हैं, तो विलेन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है। चाहे वो हिंदी, अब अमरीश जी को ले लीजिए, प्राण साहब को ले लीजिए, जो भी कैरेक्टर हो। अभी मैंने भोजपुरी में केडी जी की पिक्चर आई थी, निरहुआ रिक्शा वाला, देन उसके बाद मेरी दिनेश जी के साथ ही मैं लॉन्च हुआ था, फर्स्ट फिल्म थी मेरी कहाँ जाए राजा नजर गए लड़ाई के, उसमें मोना भी थी, मैं भी था और सीमा सिंह, हम तीनों एक ही फिल्म में लॉन्च हुए थे। केडी जी के तुरंत बाद हमारी फिल्म आई थी और वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी। देन मुझे मेरा एक भोजपुरी में सफ़र स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया भोजपुरी में। शायद गिनती मुझे भी नहीं मालूम होगी कि मैंने कितनी फिल्म की है, बट एटलीस्ट मैंने करीब 10-12 साल मैंने भोजपुरी फिल्म सिनेमा किया। मैंने हिंदी नहीं किया, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने हिंदी दबंग 3 की थी। एक दो फिल्म और भी मेरी अभी आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। अभी वापस कम बैक कर रहा हूँ तो दिनेश जी की फिल्म से ही कर रहा हूँ मैं। श्रेयस जी हैं, श्रेयस जी के से मैं कभी हिंदी के लिए मिला था इनसे और फर्स्ट टाइम दिनकर जी के साथ काम कर रहा हूँ। दिनकर जी का बहुत नाम सुना है एंड थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया, श्रेयस जी ने अपनी फिल्म में लिया। मैं चाहूँगा कि मेरा ये सेकेंड जो इनिंग है बहुत अच्छी स्टार्ट हो भोजपुरी में। सर लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से, मतलब अमरीश पुरी जी थे, गुलशन ग्रोवर, ये सब जो बड़े नाम थे, पिछले कई सालों से कोई ऐसा विलन नहीं आया जो छाप छोड़ पाए इंडस्ट्री पे, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या, विलन तो सामने खड़ा है बट नजर नहीं आ रहा किसी जो दीपक मार दिया तो सामने विलन नजर आता है। लेकिन ये है कि हर चीज का एक समय होता है, हो सकता है मेरा समय अब स्टार्ट हुआ है। देखिए मेरा मानना ये, शायद आप में से किसी ने कुछ एक बात सुनी हो, लास्ट ईयर 2020 में रतन टाटा जी ने एक लाइन बोली थी कि जो 2020 में बच गया उसने अपनी फैमिली की सुरक्षा कर ली, वो समझ लो जिंदगी जीत गया, जंग जीत गया। भाई 2020 में हम अपने आप को सेफ कर लें, 21 के बाद हम काम भी कर लेंगे और पैसा भी कमा लेंगे। मुझे लगता है कि शायद हम लोग 21 में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। ये रतन जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। थैंक यू सर।